जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ज्योतिष में शनि को सबसे पापी ग्रह कहा गया है। शनि जिसके ऊपर भारी हो जाए तो उसकी जिंदगी उतने साल तो बर्बाद कर देता है। शनि जब भी व्यक्ति के जीवन में आता है तो वो विरक्ति की भावना उत्पन्न करके अध्यात्म की तरफ मोड़ देता है उस मनुष्य को, और शनि दुख भी उत्पन्न करता है जिससे मनुष्य जो है सांसारिक मोह और चमक दमक से अलग करके अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ता है। शनि ऐसा ग्रह है, यानी शनि मनुष्य को धर्म की ओर ले जाने का काम करता है। शनि विरक्ति की भावना उत्पन्न करता है और मनुष्य को अध्यात्म की ओर लेकर के जाता है, यानी कि जिसके ऊपर कष्ट ज्यादा आते हैं तो वह भगवान की ओर जाता है। तो शनि दुख देता है जिससे मनुष्य को यह लगता है कि कहां का सांसारिक मोह, कहां की चमक दमक, आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ता है। कोई भी ग्रह जो शनि के साथ हो, कोई भी ग्रह हो, चाहे शनि के साथ राहु हो, चंद्र, कुछ भी हो, वो राजा से रंक बना सकता है। जैसे कई पत्रिका में हम चेक करते हैं कि शनि चंद्र की युक्ति होती है, जय माता दी, जय मां कामाख्या। ये शनि चंद्र का यह योग मनुष्य को भयंकर चिंता देता है, और शनि चंद्र जिसका भी होता है उसको खुशियां कम मिलती है, विरक्ति लाता है वो। इसको विष योग भी कहा गया है, क्योंकि शनि काला है, चंद्रमा सफेद है। चंद्रमा दूध है तो शनि पेंट है। मतलब व्यक्ति यदि शनि चंद्र की युक्ति जिसके भी जीवन में होती है, व्यक्ति के जीवन में अच्छे से अच्छे दिनों में भी वह कुड़कुड़ाता रहता है, यानी सुखी नहीं रहता है। और यह योग हमेशा कुछ ना कुछ दुख ही देता रहता है। परंतु यदि शनि चंद्र के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि आ जाए तो बुरे फल जो मिलने वाले हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। परंतु बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि गुरु की दृष्टि हो जाती है। चंद्र शनि योग किसी भी प्रकार से शुभ हो, लेकिन मानसिक उदासी तो देगा ही देगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शनि उस पे उदासी लाने का काम करता है, कालापन है। तो शनि चंद्र का आपस में राशि परिवर्तन यदि केंद्र में हो या त्रिकोण के भाव में हो तो अच्छा राजयोग बनाता है, व्यक्तियों को ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। शनि चंद्र का योग बताता है कि मनुष्य ने पूर्व जन्म में किसी लड़की को, किसी स्त्री को सताया था या नुकसान पहुंचाया था, उसकी पीड़ा इस कदर थी कि इस बार उस स्त्री ने संतान के रूप में मनुष्य को या तो पैदा किया और उसकी मां बनकर इस जन्म में उसके साथ में आई है, या फिर उसी स्त्री ने ही पूर्व जन्म में जातक को ऐसा सताया था कि वह इस जन्म में उसकी संतान बनकर के आई है। दोनों बात हो सकती है कि एक स्त्री पुरुष को सता सकती है और एक पुरुष स्त्री को सता सकता है। तो दोनों की पत्रिका में यदि शनि चंद्र की युक्ति होती है
तो आप मान करके चलें कि कहीं ने कहीं पर स्त्री ने पुरुष को सताया है या पुरुष ने स्त्री को सताया है और उसकी तड़प इस जन्म में उसको कष्ट प्रदान करती है। इस युति में मनुष्य के संबंध अपनी मां से अच्छे नहीं होते क्योंकि चंद्रमा स्त्री का कारक माना गया है, मां का कारक माना गया है और आर्थिक तंगी भी हमेशा देखना पड़ती है। और इसका लक्षण यह माना जाए कि शनि चंद्र से ज्यादा मजबूत है। कहीं कहीं देखे तो यह भी देखने को मिला है कि शनि चंद्र की युक्ति ऐसी जगह हो गई तो उसकी मां जल्दी मर गई। और किसी किसी मामले में यह भी देखा गया है कि मां बहुत लंबे समय तक जीती है बदला लेने के लिए। और मनुष्य की 14 वर्ष की उम्र में यह योग बहुत इफेक्टिव करता है और मानसिक चिंता इतनी ज्यादा दे देता है कि मनुष्य अध्यात्म का रास्ता पकड़ लेता है और विरक्ति का रास्ता अपनाता है। उसे भौतिकवादी सुख चमक दमक से बहुत दूर रहना पड़ता है। और इस योग को बड़ी सावधानी से हमें देखना पड़ता है कि पहले भाव में यदि शनि चंद्र की युक्ति हो तो क्या होगा, द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा, किस राशि में हो तो क्या होगा और किसकी दृष्टि पड़ रही हो तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। बहुत गुण रहस्यों में जाकर के शनि चंद्र की युक्ति का विश्लेषण लिखना पड़ता है। तो यदि आपके जीवन में, आपकी जन्म पत्रिका में, लग्न चार्ट में शनि चंद्र की युक्ति हो तो उसका विश्लेषण अवश्य करवाइए ताकि आपको पता लग सके कि आपकी मां आपकी दुश्मन होगी, कि आपकी पत्नी आपकी दुश्मन होगी, कि आपकी लड़की आपकी दुश्मन होगी, या फिर इसका विपरीत भी ले सकते हैं कि आप मां के दुश्मन बन सकते हैं, आप पत्नी के दुश्मन बन सकते हो, आप अपनी बेटी के दुश्मन बन सकते हो, आप अपनी बहन के दुश्मन बन सकते हो। तो कहीं न कहीं पर स्त्री के द्वारा श्रापित या फिर स्त्री की पत्रिका में है तो किसी न किसी पुरुष से श्रापित योग जब हो जाता है तो शनि चंद्र का योग बनता है। इसको विष योग कहा जाता है। यह जीवन में कई जगह जब हमारी प्रगति होने वाली होती है उस समय रुकावटें उत्पन्न करने का काम करती है, यानी कि विष भर देती है हमारे जीवन में ताकि हमारी उस समय प्रगति रुक जाती है। और यह मनुष्य के जीवन की में प्रगति को रोकने का काम करती है, यानी शारीरिक मानसिक बीमारी अवश्य देती है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और यह मन यानी मस्तिष्क से काम करता है और शनि जो है कालापन है, क्रोधित है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में ज्ञात रूप से और अज्ञात रूप से कभी भी किसी भी स्त्री को नहीं तड़पाना चाहिए, स्त्री की हाय बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो मां हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो या काम करने वाली नौकरानी ही क्यों न हो। यदि किसी स्त्री की हाय बद्दुआ लग गई तो शनि चंद्र की युक्ति आपके जीवन पर लग जाती है और जिससे आपकी प्रगति में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जितना मेहनत करते उतना फल की प्राप्ति नहीं होती है और अंततः मनुष्य जो है ईश्वर यानी आध्यात्म की राह पकड़ लेता है। जब उसको लगता है कि मेरे द्वारा किए गए परिश्रम संघर्ष में सफलता नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मैं केवल अब भगवान की ही सेवा में चला जाऊं, तो इस तरीके से उसके जीवन में निरसता उत्पन्न होती है। जय माता दी, जय मां का मक्खियां।